प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम लोग बैठ के इस बात पे विचार करेंगे, गौर करेंगे, एक साथ मनन करेंगे, परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि विषम परिस्थिति में भी सही काम करने का क्या प्रतिफल होता है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि अनुकूल परिस्थिति में सही काम करना कोई बड़ी बात नहीं, हम सब ऐसा ही करते हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हसमुख लोगों के साथ निभाना बड़ा आसान होता है, पर जो गुस्सैल या खड़ूस टाइप के लोग होते हैं उनके साथ निभाना थोड़ा वो एक टफ टाइम काम हो जाता है, टफ टास्क हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम जब सिचुएशन हमारी अच्छी है, पॉजिटिव है, प्रेयर के आंसर आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हमारे मन मुताबिक चल रहा है, तब तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है क्योंकि हमको सब कुछ आसान लगता है उस कंडीशन में। लेकिन तब क्या करें जब सिचुएशन ऑड हो, और तब भी हम वो करें जो सही है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, जो कि करने की ना हमारी कुवत होती है ना हमारा मन होता है उस वक्त, क्योंकि हम बिल्कुल परेशान हैरान होकर बैठे होते हैं उस वक्त, तब हम क्या करें। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि ऑड सिचुएशन जब आती है, चाहे वो कोई व्यक्ति कारण हो, हमारी गलती कारण हो, या कोई भी कारण हो, तो इफिसियों 6:12 में वचन कहता है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। कई बार हम ये कहते हैं कि उस व्यक्ति की वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई हमारी लाइफ में, उन्होंने ऐसी गलती कर दी इस वजह से ये हो गया, या हम अपने आप को भी दोष देते हैं कई बार कि हमने ऐसा कर दिया, काश ऐसा ना किया होता, या उन्होंने ऐसे ना किया होता तो हमको ये नुकसान ना होता। पर हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। देखिए, दो राज्य हैं, एक परमेश्वर का प्रकाश का राज्य है यीशु का, एक अंधकार का राज्य है बैरी का, शैतान का, इसके अलावा कुछ नहीं, बीच का रास्ता नहीं है। आधा प्रकाश आधा अंधकार, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो जब अंधकार और प्रकाश टकराते हैं तो जाहिर सी बात है कि जीत तो यीशु की ही होगी, पर जब हम उस प्रोसेस में से गुजरते हैं, वो विषम परिस्थिति, उस टाइम पे वो करना जो सही है, ये थोड़ा सा बहुत, थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त। तो हमको वचन से इस बात से बल मिलेगा जब हम इन वचनों पे मनन करेंगे कि हम कैसे वो करें और सिचुएशन में भी जो सही है। जैसे मैंने बोला कि या हम कोई गलती करें या सामने वाला कोई गलती करे, तो अगर हम कैसे आती है और सिचुएशन, अगर हमने कोई गलती करी, फॉर एग्जांपल हम बाइबल में देखते हैं सारा, परमेश्वर ने अब्राहम जब 75 साल का था उसको वायदा दे दिया था कि तेरे वंश से मैं बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, और उसको कहा था कि देख आसमान में जितने तारे हैं अगर गिन सकता है तो गिन, तेरी वंश की वो गिनती है वो ऐसी ही फैल जाएगी, इतना ही विशाल तेरा वंश हो जाएगा। 75 साल में वादा दिया, करते 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 86 साल हो गए थे, मतलब 10 साल से भी ऊपर निकल गए थे, और कहीं भी परमेश्वर के उस वादे को पूरा होते हुए सारा अब्राहम के और अपने जीवन में देख नहीं पा रही थी। परमेश्वर कई बार ठहरे रहते हैं, कई बार वो कई साल आगे के, जिनको दर्शन का अभिषेक है, जिनको ड्रीम्स एंड विजन्स के गिफ्ट हैं, वो लोग समझ सकते हैं, जैसे मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, कि परमेश्वर कई बार कुछ सालों आगे की चीज़ें, कई बार बहुत आगे की चीज़ें हमें बता देता है, छोटे छोटे, जैसे मैंने कहा था, छोटे छोटे ब्लूप्रिंट देता है। तो उस तरीके से परमेश्वर कई बार दिखा देता है और हम सोचते हैं अरे ये बात अभी क्यों नहीं हुई, ये बात अभी क्यों नहीं, प्रभु तूने तो तब कहा था, तूने तो तब दिखाया था। ठीक उसी तरह से सारा के साथ हो रहा था कि अरे आपने तो वादा दिया था मेरे पति को और अभी तक नहीं हुआ। उसने अपनी इंसानी बुद्धि लगाई और वहां पर सारी गड़बड़ हो गई, उसने कहा मेरी नौकरानी ले लो, हाजरा हाजिर है उसको ले लो और वहां से वंश उत्पन्न करो। उसके बाद जो हुआ वो गड़बड़ आज तक पूरी दुनिया देख रही है उस चीज को। तो वो उसने अपनी इंसानी बुद्धि लगा दी थी, वहां पर गड़बड़ हो गई, जबकि परमेश्वर ने उसके खुद के प्रयास से जो उसने रिजल्ट निकलवाया उसको खारिज कर दिया। परमेश्वर ने कहा नहीं, दासी की संतान को मैं वारिस नहीं घोषित करूंगा, जो मूल पत्नी का पुत्र होगा वही वारिस होगा। तो यहां पर उसने जो अपनी युक्ति लगाई थी वो फेल हो गई, और फिर बाद में वही दासी उसको मुंह चढ़ाने लगी थी। तो कई बार विषम परिस्थिति क्यों आई सारा के जीवन में, क्योंकि उसने अपनी खुद की बुद्धि लगा दी थी। कई बार शैतान हमें जाल में ऐसे फंसा देता है, हम परमेश्वर के जन हैं और अगर जरा सी भी कहीं हमने ढील दी है अपने आत्मिक जीवन में, अपने प्रार्थना के जीवन में, कारण कुछ भी रहा हो, अगर हम कहीं भी ढीले होते हैं,
इसका एग्जाम्पल हम दाऊद के जीवन से देख सकते हैं। वहां पर जब कहानी दाऊद की लिखी है, कैसे उसका पैर फिसला व्यभिचार में और कैसे वो बतशेबा के साथ इस तरीके से पड़ा गलत बात में, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जिन दिनों में राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते थे, मतलब कि दाऊद को वहां युद्ध स्थल पे होना चाहिए था, वो अपने महल की छत पे आराम फरमा रहा था। तो जब हमें जो करने का समय होता है, अगर हमें प्रार्थना में रहने का समय है और हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाइबल पढ़ने का समय, और हम उस टाइम को टीवी देख के या दूसरे गप्पे हाँक के या दूसरे कामों में वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर फिर बैरी को मौका मिलता है। दाऊद ने यही किया था, जब उसे अपनी कमर कस के युद्ध स्थल पे होना था उसने आराम फरमाया और वहां पर बैरी ने जाल फेंका। तो बैरी के जाल के चलते, बैरी के षड्यंत्र के चलते, अपनी खुद की गलती के चलते विषम परिस्थिति आई। पर जब दाऊद के जीवन में परिस्थिति आई और जो इस तरह से व्यभिचार से लड़का पैदा हुआ, परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा कि ये लड़का जीवित नहीं रहेगा क्योंकि ये व्यभिचार की संतान है। पर दाऊद ने सोचा कि मैं बहुत प्रार्थना करूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा परमेश्वर से और उसको बचा लूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसने जो पाप किया उसके बदले उस संतान को परमेश्वर ने जीवन नहीं दिया, जीवित रहने नहीं दिया। पर दाऊद ने एक अच्छा काम ये किया, उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, हम्बल किया। भजन संहिता 51 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर उसने क्षमा प्राप्ति के लिए वो गीत लिखा हुआ है कि मुझे अपना उदार आत्मा मुझे फिर से दे, अपने आत्मा को मुझसे दूर ना कर। उसने अपनी गलती मानी और जब परमेश्वर ने उसको सजा दी तो उसने ये नहीं कहा कि अरे प्रभु इतनी माफी मांगी थी उसके बाद भी सजा दे दी। उसने कहा ठीक है, जैसा परमेश्वर की मर्जी, हाँ मुझसे गलती हुई थी। तो ऑड सिचुएशन में भी उसने वो किया, गलती हुई, पर अब किया वो जो परमेश्वर की नजरों में सही है। उस वक्त हो गई गलती, पर जब सिचुएशन ऑड आई तब उसको समझ आ गया ये बात कि हाँ मुझे वो करना है जो परमेश्वर की मर्जी है। और उसने क्षमा मांगी और उसने हम्बल किया अपने आप को। या फिर कई बार क्या होता है, यीशु हमारी टेस्टिंग करते हैं। परमेश्वर ये देखता है कि जब हमने इस बच्चे के ऊपर आशा लगाई है, जब मैंने इस बच्चे को आशीष दी है और ये बच्चा खुद को मेरा वफादार कहता है या मैं जानता हूँ कि ये वफादार है, परमेश्वर खुद से कोई बीमारी या कोई तकलीफ नहीं लाता है। लेकिन परमेश्वर उस चीज को, जैसे अय्यूब के जीवन में अलाउ किया था बैरी को, आज बैरी को यह अधिकार नहीं है कि वो हमको तकलीफों में ही डाल के रख सके। वो झोंके देता है तेज हवा के झोंके, पर हमको हिला नहीं सकता क्योंकि हमारी नींव चट्टान यीशु पर बनी है, यीशु हमारी चट्टान है। पर जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ था कि हाँ, जब प्रतिज्ञा की संतान आइज़ैक इसहाक मिल गया था, तब परमेश्वर ने कहा था बलि कर बच्चे को, और तब अब्राहम को एक चीज पता थी कि मेरा परमेश्वर कभी भी मनुष्य बलि नहीं लेता है, वो घृणा करता है इस तरीके के जो अन्य जाति उस समय बलिदान चढ़ाया करते थे, उनसे वो घृणा करता है। पर फिर भी उसने आज्ञाकारिता निभाई, उस ऑड सिचुएशन में भी वो किया, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखा। ऑड सिचुएशन में भी जब हम वो करते हैं जो हमसे करने को कहा जा रहा है, जो सिचुएशन हमारे बस के बाहर, हमारे सहन के बाहर है, तब परमेश्वर कहता है कि बेटा अब मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और बहुत बढ़ाऊंगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं बाइबल से, जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी सही काम किए। सबसे पहले है सारपत की विधवा। पहला राजा उसके 17वें अध्याय में, उसके 17 बाब की 12 से 15 तक आयत अगर हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि सारपत नगर में एक विधवा थी। कब? एलिया के दिनों में, जब अकाल पड़ा तब। और जब एलिया वहां पहुंचा है तो कहानी हम जानते हैं कि वहां सिचुएशन क्या थी, वो लकड़ी बीन रही थी और एलिया ने उससे कहा कि मेरे लिए एक रोटी बना के ले आओ। उसको अंदर से इतनी गुस्सा आई होगी, कितना उसको अजीब लगा होगा, और उसने बोला एलिया को कि भाई देखो अकाल चल रहा है, मेरे पास इतना सा मैदा पड़ा हुआ है घड़े में और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मुश्किल से इतना ही बनेगा कि मैं मेरे बेटे को खिलाऊं, खुद खाऊं और उसके बाद हम मर जाएंगे क्योंकि फिर कुछ नहीं बचा है हमारे पास। और एलिया उससे कह रहा है ठीक है, अपनी बात के अनुसार करना, खुद बनाना, अपने बेटे को खिलाना, मर जाना तो मर जाना, पर पहले मेरे लिए बना के ले आओ। इतनी ऑड सिचुएशन, अकाल है, एक लास्ट टाइम वो शायद खा के मरना चाहती थी, कितने दिनों से भूखी होगी या उसने बचा बचा के रखा होगा या आधे पेट खाया होगा या अपने बेटे को खिलाया होगा,
और वहां पर वो अलिया को बता रही है अपनी वस्तु स्थिति, अपनी सिचुएशन एग्जैक्टली, फिर भी अलिया कह रहा है कि नहीं नहीं जो भी कह रही हूँ ठीक है, पर पहले जाओ मेरे लिए बना के लिया, उसके बाद तुम जो तुम्हारे जी में है, जैसे तुमने कहा कि मैं बनाऊंगी अपने बेटे के साथ खाऊंगी और मर जाऊंगी, करना। अब वो ये जानती थी कि ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, यहोवा का भविष्यवक्ता है, यहोवा का चुना हुआ है, पर एलिया ने उससे ये कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, जब तक अकाल है ना तो घड़े का मैदा चुकेगा ना कुप्पी का तेल। उस और सिचुएशन में उसने इससे पहले कहीं बाइबल में जिक्र नहीं है कि वो एलिया से मिली थी या कुछ था। हाँ, उसने एलिया की चर्चा जरूर सुनी होगी कि हाँ ऐसे करके एक एलिया नबी इसराइल में है, यहोवा का भक्त है, जिसने बाल के नबियों को घात किया है, जिसके साथ जिंदा खुदा सच्चा परमेश्वर रहता है, जिसने आग गिराई है आसमान से, पानी डालने के बाद भी वेदी पर आग लगी है। इस तरीके से उसने शायद वो किससे सुन रखे होंगे। तो उस सिचुएशन में उसके लिए बहुत आसान नहीं था एलिया की बात पे बिलीव करना, पर उसने और सिचुएशन में भी बिलीव किया और वो किया जो एलिया ने करने को कहा। दूसरा व्यक्ति है एलिया। इसकी कहानी जब हम पहला राजा के 19 अध्याय में पढ़ते हैं, 19 चैप्टर में, वहां पर 19 बाब की दूसरी 14वीं 15वीं 16वीं और 18वीं आयत में जब हम पढ़ पढ़ के देखते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब एलिया ने बाल के नबियों को घात किया, तो जो इजेबेल थी, जो इसराइल की रानी थी, वो बाल की उपासक थी और वो बहुत तंत्र मंत्र करने वाली थी और वो बहुत विकेड ऐसी लेडी थी, और उस स्त्री ने कहा, एलिया को खुला चैलेंज दिया। वहां पर क्या लिखा है 19 बाब की 2 आयत में कि तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सना कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। कौन? उसके अपने देवता, वो जो नकली देवता बना के पूजा करती थी बाल और जिनसे तंत्र मंत्र किया करती थी, उनकी शपथ खा के कह रही कि अब जैसे तूने बाल के नबियों को मारा है, मैं एलिया को मरवाऊंगी। और एलिया वहां से भागा है अपनी जान को बचाकर, और वहां पर आगे इस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा बात की यहोवा ने, और उससे कहा कि एलिया तू यहाँ क्यों भाग रहा है, तू यहाँ क्यों छुपा हुआ है। और आगे वचन में ऐसा लिखा हुआ है 15 और 16 वचन में कि एलिया ने कहा कि भाई इजेबेल ने सब यहोवा के नबियों को मरवा डाला है, मैं ही अकेला बचा हूँ। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने 7,000 को रख छोड़ा है। और दूसरी चीज परमेश्वर ने उससे कहा कि जाओ दमिश्क को वापस जाओ और जंगल में जाओ, और उसको काम बता रहे हैं, वो अपनी जान बचाता फिर रहा है, और परमेश्वर यहाँ उससे कहने कि नहीं तुम भाग के क्यों है, तुम वापस उस जगह पे जाओ जहां से भाग के आए हो। और क्या कह रहे हैं 15वीं आयत में कि लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, इसराइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। वो जान बचा के बाहर भाग रहा है, परमेश्वर उसको वापस फिर अंदर भेज रहा है, ना केवल भेज रहा है बल्कि उसको 3-4 असाइनमेंट भी दे रहा है। उस और सिचुएशन में जब आपको जान के लाले पड़े हैं, परमेश्वर असाइनमेंट दे रहा है कि भैया जाओ पहले ये काम पूरे करो, इसका अभिषेक करो, इसका अभिषेक करो, इसका अभिषेक करो। सोचो ये सब करने के लिए जब वो नगर में जाएगा, एक का करेगा, दूसरे का करेगा, तीसरे का करेगा, उस बीच में हो सकता है इजेबेल के जो खुफिया सैनिक घूम रहे वो उसको ढूंढ निकाले, वो पकड़ ले। खतरा बड़ा है, जान का खतरा बड़ा है। वापस वो तो जान बचा के भाग रहा है, उसको प्रभु यहोवा उल्टा भेज रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा ऐसा काम करो। एलिया ने वही किया। उस ऑड सिचुएशन में भी उसने कहना माना, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किया। हमारे और आपके जीवन में अगर ऑड सिचुएशन आती है और उस वक्त हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन की बुक है, जो बाइबल है, जिसमें परमेश्वर के निर्देश साफ साफ लिखे, अगर हमको आवाज नहीं भी सुनाई देती है पवित्र आत्मा की, तो भी परमेश्वर के निर्देश हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, और वचन कहता है कि उस सिचुएशन में भी तू वो कर मेरे बेटे मेरे बेटी जो मैं तुझसे करने के लिए कहता हूँ। बात अजीब और मुश्किल लग सकती है, पर अगर हम कहना मानेंगे तो आशीष हमारी ही होगी। आशीषों के मूल हम ही बनेंगे, आशीषों के वारिस हम ही बनेंगे। और सिचुएशन में भी वो करिए जो आपसे करने के लिए परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। बड़ा आसान था जब लॉकडाउन था, चर्च बंद थे, काम बंद था, तब लोग फोन कर करके पूछते थे चर्च कब खुलेगा, चर्च कब खुलेगा। जब चर्च खुला, लॉकडाउन खुला, तो काम के जरिए भी खुल गए। अब आप अपनी वफादारी साबित करके दिखाओ, खाली बैठे हैं इसलिए इशू याद आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
अपने बिजी शेड्यूल में से, उसके बीच में से यीशु के लिए समय निकालना, चर्च में समय देना, परमेश्वर के लिए समय देना। जब खाली बैठे हैं तब खूब भजन कीर्तन, खूब बाइबल रीडिंग हो रही है, जब वापस काम शुरू हो गया तब कितना समय यीशु को दिया जा रहा है, ये काउंट करता है, ये मायने रखता है। नामान कोढ़ी का हम सब किस्सा जानते हैं। नामान कोढ़ी जब एलिशा के पास आया था, पहले वो राजा के पास गया है, वहां से राजा ने कपड़े फाड़े, उसने कहा भाई मैं क्या चंगा करने वाला हूँ, तुम्हारे राजा ने मेरे पास क्यों तुम्हें भेज दिया, जरूर कोई लड़ाई की युक्ति ठानी होगी। उसके बाद एलिशा ने उसको बुलवाया। एलिशा इतना बड़ा सेनापति, दूसरे देश का इतना बड़ा गवर्नर आया, राजदूत आया, सेनापति आया, सेनाध्यक्ष आया है, और एलिशा एक प्रॉफिट होके नॉर्मल वहाँ का उस शहर का ख्याति प्राप्त, हालांकि प्रॉफिट था इज़राइल का, और वो उससे मिलने भी नहीं आ रहा, बाहर अपने फोर्ट्रेस से बाहर निकल के भी नहीं आ रहा है, उल्टा उसको काम करने को बोल रहा है कि जाओ यर्दन में 7 बार डुबकी लगाओ। तो पहले तो नामान को बहुत गुस्सा आया, फिर जब उसके सैनिकों ने समझाया कि छोटा सा ही तो काम है, आप क्यों ऑफेंड होते हो इस बात से कि वो मिलने नहीं आया प्रॉफिट आपसे, उसने एक निर्देश तो भिजवाया है आपके लिए, आप एटलीस्ट उसको फॉलो करो। और तब बात नामान कोढ़ी को समझ में आ गई, और उसने कहा था 7 बार डुबकी लगाना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी बार में नहीं रिजल्ट आया। हम क्या करते हैं कई बार, जब हम परमेश्वर के लोग हमें सिखाते हैं, पास्टर सिखाते हैं, परमेश्वर के जन सिखाते हैं कि वो करो जो सही है, और सिचुएशन में भी वो करो जो सही है, निराशा में मत फंसो, वो करो जो वचन से सही है, जो निर्देश मिला है वो करो, हम करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, फिर हम थक के निराश होके बैठ जाते हैं, हम कहते नहीं कुछ नहीं होता, चर्च जाने से कुछ नहीं होता, 4-4 घंटे बाइबल पढ़ने प्रेयर करने से कुछ नहीं होता, क्या फायदा, कोई आंसर नहीं आ रहा है। जब विषम परिस्थिति बनी हुई है, उत्तर नहीं आ रहा है, उस वक्त हम ऐसे परेशान होके निराश होके कई बार छोड़ देते हैं। पर नामान ने 7 बार कहा था, पूरे 7 बार डुबकी लगाई, और जब 7वीं बार डुबकी लगा के बाहर निकला है, तब लिखा है कि वो बिल्कुल एक नए जन्मे बच्चे के जैसा उसका शरीर निर्मल हो गया, वो पूरी तरह से हील हो गया। वचन से अपने आप को इतना भर लीजिए कि अगर परमेश्वर ना करे पर लाइफ में अगर कभी कुछ और सिचुएशन आए तो आपके अंदर से वो वचन निकले। वचन में एश्योरेंस है, वचन में वायदा है, परमेश्वर के वायदे कभी खाली नहीं जाते। ईशु ने वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वो मान के चलिए। वचन ये कब आपको विश्वास आएगा अंदर से, और सिचुएशन में भी आपको कोई कब नहीं हिला पाएगा, जब अंदर इतना वचन भरा होगा कि उस मुश्किल घड़ी में भी अंदर से वचन ही निकलेगा, कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट नहीं निकलेगी। जब परमेश्वर ने कहा चाहे तू जल में होकर जाए, चाहे तू आग में होकर चले, आग तुझे जला ना सकेगी, जल तुझे डुबा ना सकेगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, यहोशू से वायदा दिया था, यहोशू को इस बात का विश्वास था, वो वायदा हमारे और आपके लिए भी है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हमने इतना भर लिया, हर दिन हर दिन हर दिन वचन पढ़ो। एक आंटी थी, उनको किसी ने बाइबल पढ़ने के लिए तरीका सिखाया, किसी परमेश्वर के दास ने, कि ऐसा करिए नीति वचन जो है डेली एक पढ़िए, भजन संहिता डेली एक पढ़िए, और उसके बाद फिर आप जब धीरे धीरे पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो नया नियम पुराना नियम पढ़िएगा। अभी वो क्या करती थी, 31 तक नीति वचन वो डेली एक पढ़ती थी, और जब भजन संहिता 31 तक पढ़ती थी, जैसे ही 31 भजन संहिता पूरा होता था, पहली तारीख लगती थी, वो फिर पहली भजन संहिता पढ़ने लगती थी। तो जब उन्होंने, मैं काफी टाइम के बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो वो मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा कि आप कैसे बाइबल पढ़ रही हो, तो कैसे सिखाया है आपको उन्होंने, तो वो बोले कि एक एक वचन डेली पढ़ने को कहा है दोनों किताबों से, तो मैं बस वही पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा उसके बाद 31 के आगे, मैंने कहा नीति वचन तो चलो 31 है, पर भजन संहिता 31 से आगे नहीं पढ़ी। बोले नहीं, मैं तो फिर पहले से पढ़ने लगती हूँ, पहली भजन संहिता पर लौट जाती हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है, उनके समझाने का मतलब ऐसा नहीं होगा, आपके जो अगुए ने आपको समझाया वो ये कहना चाह रहे थे कि डेली एक पढ़ो, मतलब भजन संहिता तो 150 है ना, तो डेली आगे आगे पढ़ते जाइए, जब 150 पूरे हो जाए तो फिर पहली पे आइए। तो कई बार परमेश्वर का वचन हमें निर्देश कुछ और दे रहा होता, हम समझते हैं उसको अपने एंगल से, वहां पर फिर गड़बड़ हो जाता है। इतना भर लीजिए वचन को, और सही तरीके से पवित्र आत्मा से कहिए कि प्रभु मेरी मदद कर, ताकि जैसे तू चाहता है वैसे हम वचन को समझे, अपना गड़बड़ी वाला एंगल उस वचन में मिला के ना समझे, नहीं तो फिर हम समझ ही गलत जाएंगे। और
एक बात जो हम सब जानते हैं कि आज्ञा पालन से हमको आशीष मिलती है। मत्ती 21 उसके 28 और 30 पद में एक बात लिखी हुई है, वहां पर ऐसा बताया है वचन में कि एक पिता के दो पुत्र हैं और पहले पुत्र से उसने कहा जाओ और खेतों में काम करो, तो उसने कहा नहीं जाऊंगा, पर बाद में पछता के गया, उसको रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे पिता का आज्ञा माननी, मुझे पिता की आज्ञा माननी है, मुझे पिता का आदर करना है और उनका कहना मानना है। तो पहले तो ना बोलते पर वो गया काम करने, दूसरे पुत्र से कहा जो खेतों में काम करो, तो उसने कहा हाँ हाँ जाता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं गया। मतलब पिता के सामने तो दिखावा कर दिया जाता हूँ, पर वो गया नहीं। तो आज्ञा किसने पूरी करी, कहना किसने माना, पहले वाले ने, जिसने भले ही ना कहा था पर बाद में पछताया, तौबा करी और वचन को पूरा किया, आज्ञा मानी। आशीष किसके जीवन में आएगी, उस पहले वाले के जीवन में, ना कि इस झूठे दिखावे करने के वाले के जीवन में। जो हम बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं चार लोगों के आगे या चर्च में बैठ के हालेलुया, वो परमेश्वर को पता है कि मेरी आज्ञा कौन पूरी कर रहा है, उसके वचनों पर चलने वाला आशीष पाएगा, झूठा दिखावा करने वाला नहीं। चार लोगों के आगे परमेश्वर से आप छुप नहीं सकते, दुनिया के सामने आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, पर यीशु को सच्चाई पता है। इसलिए यहाँ पर यीशु ने दृष्टांत बताया कि कहना किसने माना। जो भले ही आप गिरते पड़ते मसीह में आए थे, आपकी शुरुआत बहुत धीमी थी या बहुत अच्छी नहीं थी, पर फाइनली आपने कहना मानना शुरू किया और आप आशीषों में बढ़ते गए, क्योंकि पिता की नजरों में आप आ गए, पिता ने देखा कि हाँ मेरा ये वाला बच्चा मेरा कहना मानता है, इसलिए आपको आशीष है। और आपने बहुत जोर शोर से पंप मारा था, एक बार कोई थी वो हमारी चर्च आई, किसी ने उनको बताया और वो बहुत जोर शोर से ओ यस हालेलुया यस हालेलुया और बहुत फास्टिंग प्रेयर भी, ये भी वो भी ऐसा वैसा। पता चला कि उनकी मम्मी या उनकी बहन का उद्धार हुआ था, तो उनसे उन्होंने वचन सुना था और उन्होंने कहा था कि चर्च जाओ, तो वो आ गई थी, मगर उनके अंदर कहीं वचन नहीं था। और कुछ दिनों के बाद जैसे पानी से बुलबुला गायब होता है, वो ऐसे गायब हो गए। आज वो मसीह में कहीं नहीं है। और जो उनकी मम्मी और बहन के पास रहते, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही गवाही दी उनके विषय में कि हाँ सिस्टर, वो अपने मायके वालों के कहने से थोड़ा थोड़ा सुनती हैं, पर वो दुनिया में ज़्यादा हैं और उनको मन वहीं दुनिया में लगता है, वचन में अभी उनका मन नहीं लग रहा, उनके उद्धार की प्रार्थना करो। पर जब वो चर्च आई थी तो उस वक्त उनका अपीयरेंस और उनका जो गेस्चर था, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हाँ बहुत मजा आता फास्टिंग प्रेयर में, हाँ हम वहाँ जाते हैं, मम्मी के यहाँ तो करते हैं ये वो। परमेश्वर को पता है, और जो लोगों को नहीं पता है तो थोड़े दिन बाद आपके फलों से वो दिख जाएगा लोगों को भी। तो ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा बनना है कि पिता कहे शाबाश, तूने मेरा वचन पूरा किया मेरे बच्चे, मैं तुझसे खुश हूँ, मैं तुझे बहुतायत की आशीषों का वारिस बनाऊंगा। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम परमेश्वर के रास्ते सीखना नहीं चाहते। जब हम मसीह में नए होते हैं, हम आते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती है उद्धार, क्योंकि पापी को ही तो वैद्य की जरूरत है, यीशु ने कहा, तो हम सब पापी थे इसलिए हमको ही तो यीशु की जरूरत थी, इसलिए तो हमको यीशु ने चुना, इसलिए तो हमने उद्धार पाया, हमारी आत्मिक आंखें खुली और हमने जाना कि हाँ यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है, हमारे पापों के लिए यीशु ने जान दिए, मौत को हराया और तीसरे दिन जी उठाया, कोड़े खाए और बीमारियों को हराया। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, परमेश्वर हमको अपने अनुसार ढालना शुरू करता है, काट छाट का एक कैंची चलती है, एक प्रोसेस शुरू होता है, उस प्रोसेस से हम गुजरना नहीं चाहते। चाहे वो परमेश्वर का दास हमें सिखा रहा हो, आपके पास्टर आपको सिखा रहे हो, या आपके एल्डर सिखा रहे हो, या वो लोग जिन्होंने आपके जीवन में वचन का बीज बोया था वो सिखा रहे हो, मैं मतलब वो सामने से नहीं बोलते, पर वो उनका जो आता है निकल के एक गेस्चर, हमको करेक्ट किया, अच्छा ये चीज हम सीखना नहीं चाहते। सही चीज अगर सामने वाला बंदा हमको सिखा रहा है वचन से, हम उस चीज को सीखना नहीं चाहते, ये गलत है। कभी भी उनको करेक्शन बता दो, सिंस बिगनिंग से लेके टिल टुडे, तो उनको चीज पसंद नहीं आती। कभी वो बैठ के डिस्कस नहीं करते कि हाँ सिस्टर यहां पर गलती है, या यहां पे हमको ऐसा नहीं करना था। देखिए ईमानदारी इसमें है कि हम अपनी गलती माने, अपनी कमियों को सुधारें और बढ़ते रहे। दाऊद ने ऐसा ही किया था, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था, अब्राहम चल रहा था परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा है जहां पर परमेश्वर को अब्राहम से कहना पड़ा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, परमेश्वर को कहना पड़ा अब्राहम से, विच मीन्स कि तब तक भी वो करेक्शन कि उसके अंदर काफी गुंजाइश बची हुई थी। तो हम वैसे करना नहीं चाहते,
जैसे कुछ लोग हैं जो प्रेयर करवाते हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो फालतू टाइम बिल्कुल गप्पों में नहीं खाते हैं, जो टू द पॉइंट प्रेयर के पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। मतलब और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विस्तार से अपनी तकलीफों का गाना गाते हैं। तो कम टू द पॉइंट, आप अपने प्रेयर पॉइंट्स मुझे बताइए, हम मिलकर एग्रीमेंट के प्रेयर करेंगे या हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप महिमा और टाइम बीमारी के बारे में, तकलीफ के बारे में बताने में खर्च कर रहे हो, आप डेविल को ग्लोरीफाई कर रहे हो। आप परमेश्वर को ग्लोरीफाई आपको करना है, उस दुष्ट को ग्लोरीफाई नहीं करना है। तकलीफों की महिमा मत गाओ। वो गीत सुना है ना, हिंदी गीत, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हम क्या करते हैं, मुश्किलों को इतना बड़ा करके बताते हैं। एक सिस्टर है, वो टू द पॉइंट बात करती हैं और प्रेयर बताती हैं, और उसके बाद उनका विश्वास इतना मजबूत है कि वो डेली एक बार जरूर प्रेयर करवाती हैं दिन में, मुझसे साथ में मेरे साथ मिलके प्रेयर करती हैं, और मुझसे जरूर सिस्टर प्रेयर कर दीजिए प्लीज। पर उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि फालतू टाइम बिल्कुल नहीं खाती, उनको पता है कि, और एक 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 करके इतने सालों मैंने देखा हर प्रार्थना का उनकी उत्तर आता गया, हर प्रार्थना को। पुराने प्रेयर पॉइंट पूरे होते गए फिर नए, फिर पुराने पूरे होते गए फिर नए, उनकी हर प्रार्थना का उत्तर आता गया, मैंने ये देखा है। पर वही है कि जीवन है तो एक जद्दोजहद तो है, तो ये फाइट तो हमें लड़नी है। पर वो बिल्कुल भी वर्णन नहीं करती हैं अपनी तकलीफों का, एक बार बता देती हैं। जब कोई नया प्रेयर पॉइंट होता है तो उसकी डिटेल एक बार बता देती हैं, फिर नेक्स्ट डे कभी भी वो इस चीज़ की महिमा नहीं गाती, वो कहती सिस्टर प्रेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे भी वो पॉइंट पता है, वो मुझे बता चुके हैं ऑलरेडी। तो वो चीज़ मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है, और उनका विश्वास बड़ा तगड़ा है, वो हमेशा डेली नियम से प्रेयर करवाती हैं, और प्रेयर के उनकी प्रेयर्स के आंसर आ रहे हैं सारे। कुछ लोग हैं मेरे पास जो इतनी डिटेल बताते हैं, मैं कहती हूँ भैया गप्पों के लिए मेरे पास समय नहीं है, पूरी दुनिया भर की कहानी आप मुझे मत सुनाइए, आप टू द पॉइंट बात बताइए कि क्या प्रेयर करनी। अच्छा, किसी को एक बार मैंने बोला कि प्रेयर करिए, उनके काफ़ी तकलीफ थी, और मैंने कहा आप बाइबल पढ़ना शुरू करिए, वो 2-3 साल से विश्वास में थी, मैंने कहा आप बाइबल पढ़ना शुरू करिए। उन्होंने 2-3 दिन बाइबल पढ़ी, उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया, सिस्टर जी बाइबल पढ़ रहे, कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा 2-3 दिन 10-10 मिनट की बाइबल पढ़ के आप आंसर चाहते हो, जबकि पहले आप परमेश्वर के ईशु के हाथों में सरेंडर करो। ईशु आपको पहले आशीषों को भरने वाला बर्तन बनाना चाहता है, उस हिसाब से वो आपको मोल्ड कर रहा है, तोड़ फोड़ के सारी जितनी भी इम्प्योरिटी है वो निकाल रहा है, तब तो आप उसके काम का बर्तन बनोगे, तब तो उसमें आशीषें उड़ेलेगा। 3-4 दिन बाइबल 10-10 मिनट मुश्किल से, मैंने उनसे कहा था आधा घंटा तो पढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो है उन्होंने आधा घंटा भी पढ़ी होगी, और उन्होंने कॉल करके सिस्टर आंसर नहीं आ रहा। तो हम कोऑपरेट करना नहीं चाहते परमेश्वर के साथ। योहन्ना 12:14 में यीशु ने कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, कब करोगे, जब कहना मानोगे। यहोशू के 10वें अध्याय में लिखा हुआ है 12-14 पद तक कि यहोशू ने कहना माना था, जब यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि मूसा सो गया, अब तो उठ और तेरे लोगों को लेके चल और मैं तेरे साथ रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ रहता था, तो यहोशू ने कहना माना और जैसे परमेश्वर का निर्देश आया उसने उसके अकॉर्डिंग करना शुरू किया। और तब वहां पर लिखा है जब युद्ध हो रहा था शत्रुओं से इसराइलियों का, और यहोशू ने देखा कि सूरज ढलने वाला है, शाम होने वाली है, और अगर शाम हो जाती थी तो उन दिनों युद्ध विराम हो जाता था, पर यहोशू को पता था कि आज का युद्ध यहोवा मेरे हाथ में कर देगा। उसने अपने अधिकार को समझा मसीह में, यहोवा के नाम से उसने अधिकार लिया और उसने कमांड किया सूरज को कि हे सूरज तू ठहरा रहे और ओ चंद्रमा तू निकलना मत। और ये बात नासा के, एक आर्टिकल निकला था बहुत पहले कि नासा के वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं, जब पूरी सृष्टि के आरंभ से आज तक के लेके दिनों की गणना की गई थी तो उसमें वो एक दिन मिसिंग था, उतना टाइम पीरियड जितनी टाइम पीरियड के लिए यहोशू ने सूरज को रोक दिया था आज्ञा देके और चंद्रमा को निकलने नहीं दिया था, वो उतना का समय काल मिसिंग है सृष्टि के इतिहास में, ये चीजें दर्ज हैं। तो इसीलिए यीशु ने कहा है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, कब करोगे, जब तुम कहना मानोगे, जब तुम आज्ञाकारिता में चलोगे। दानियल को जब शेरों की मांद में डाला गया था वो लोगों से नहीं डरा था, वो सिचुएशन से नहीं डरा था, वो राजाज्ञा से नहीं डरा था, बल्कि उसने वो किया जो परमेश्वर की नजरों में सही है।
विषम परिस्थिति में भी वो करिए जो सही है, उसने वही किया। और तब परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, वो भूखे शेर दानियल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दानियल के 6 अध्याय में हम इस कहानी को पढ़ के देख सकते हैं। यही बात शद्रक मेशक और अभेदनगो के साथ हुई, विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया, वो किया जो सही है। और जो लोग वहां खड़े थे उस देश के, और खुद वहां का राजा भी, उसने देखा कि हमने भट्टी के अंदर आग की भट्टी में 3 लोग डाले थे, 3 पुरुष डाले थे, पर अब 4 पुरुष टहल रहे हैं उस आग के बीच में, और जो चौथा पुरुष है उसका रूप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप है, परमेश्वर के स्वरूप है। खुद यीशु वहां उस आग की भट्टी में आपके साथ आएंगे, उस ऑड सिचुएशन में, विषम परिस्थिति में भी अगर आप सही करेंगे, वो चुनेंगे जो सही है, वो करना चुनेंगे जो सही है। हमारे साथ क्या होता है, प्रभु प्रार्थना अगर पूरी नहीं कर रहा है, हमने 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते करके देख लिया, 1 महीने बहुत होता है हमारे लिए, करके देख लिया प्रेयर, अगर आंसर नहीं आ रही है तो हम वापस लौट जाते हैं। हमको किसी ने बताया था कि यीशु में आइए आपको आशीष मिलेगी, यीशु में आइए आपको आनंद जीवन मिलेगा, आपकी तकलीफ दूर होगी। हमने 1 महीने तक टेस्ट एंड ट्रायल किया, हम ये भूल गए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमको पहले काम में लाने वाला बर्तन, आशीषें उड़ेलने वाला पात्र बनाएगा और फिर उड़ेलेगा। हमने इस चीज को जानना ही नहीं चाहा, हमने 1 महीने ट्रायल मारा और हम लौट गए, हम सीखना ही नहीं चाहते। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, इंसानों की ये बेसिक प्रॉब्लम। यीशु जब क्रूस पे थे, लोग उनका ठट्ठा कर रहे थे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, और वो उन लोगों के लिए माफी मांग रहे थे। विषम परिस्थिति में भी वो कर रहे थे जो सही है। लोग कह रहे थे, अच्छा क्रूस बड़े मुर्दे जलाए थे, क्रूस से उतर रहा हो तो जाने, आसान चीज क्या थी, क्रूस को सहना, वो सूली की दर्दनाक मौत को सहना या उतराना? उतराना आसान था, यीशु ने कठिन काम चुना हुआ था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि विषम परिस्थिति में भी वो किया जो सही है, और इसलिए अनंत जीवन यीशु के नाम से आज हमें मिलता है, पाप यीशु के नाम से क्षमा होते हैं, मनुष्य जाति यीशु के लहू के द्वारा बचाई गई है, खरीदी गई है, पाप से बैरी के बंधन से छुड़ाई गई है। वो जो यीशु को मानते हैं अपना उद्धारकर्ता, वो जो यीशु को अपना पिता अपना उद्धारकर्ता मानते, जो यीशु के लहू के द्वारा उसके बच्चे बेटे बेटियां बने, वो सुरफिनी की जाति की जो स्त्री थी, जिसकी कहानी हम मत्ती 15 में और मरकुस 7 में पढ़ के देख सकते हैं, मरकुस 7वें अध्याय 25-30 तक, जो कनानी जाति की स्त्री थी, अन्य जाति की थी। उस समय जब यहूदी लोग थे, वो किसी और को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, वो अन्य जातियों के साथ, वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, वो अन्य जातियों के साथ बैठना बात करना भी बहुत अपनी शान के खिलाफ समझते थे, कमतर काम समझते थे। और यीशु भी यहूदियों के बीच में प्रचार करते थे और हीलिंग और मिरेकल्स हो रहे थे। ये सारी चीजें सुनकर जब वो कनानी जाति की स्त्री आई यीशु के पास, तो यीशु ने उसको बड़ा कड़ा जवाब दिया था। उसने कहा, प्रभु मेरी बेटी में दुष्टात्मा है, तो उसके लिए प्रार्थना कर दे, उसके लिए वचन कह दे। उसने क्या, यीशु ने क्या कहा, लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को देना ठीक नहीं। इतना कठोर वचन कौन सुन सकता है, उस विषम परिस्थिति में भी वो बुरा माने बिना वो स्त्री खड़ी रही, डिगी नहीं, अटल खड़ी रही और जिद पे अड़ी रही कि हाँ प्रभु ठीक है, कुत्ते भी तो चूर चार खा लेते हैं मेज के नीचे की, जो मालिकों के मुंह से गिरती है, मुझे वही दे दे, मुझे वही दे दे, मेरी बेटी चंगी हो जाए। यीशु ने कहा, इस बात के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई। वो उसकी टेस्टिंग कर रहे थे, उसके विश्वास की, उसके फेथ की टेस्टिंग, और परमेश्वर ने चंगाई दे दी उसकी बेटी को। उस ऑड सिचुएशन में उसने बात का बुरा नहीं माना, वो समझ गई थी, वो पहचान लिया था उसने अपने अंतर की आंखों से, अपने आत्मा की आंखों से, कि यही मसीहा है, छुटकारा इसी से आएगा, डिलीवरेंस मेरी बेटी को यीशु ही दे पाएंगे, और उसने अपने प्रतिफल को पा लिया। अगर आप और सिचुएशन में भी बुरा नहीं मानते हैं, अगर आप और सिचुएशन में भी थकते नहीं है, निराश नहीं होते हैं, अपनी मर्जी नहीं चलाते हैं, ठहरे रहते हैं, वो करते हैं जो सही है, तो आशीष आपको जरूर मिले। मरकुस 3:11 में लिखा है, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे, किसे, यीशु को देखती थी तो यीशु के आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब कि शैतान और उसके जो सेना है, जो अशुद्ध आत्माएं हैं, जो इविल स्पिरिट हैं, जो डेविल के दूत हैं, उनको भी पता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो आज आपके बारे में क्या, क्या हम ये जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है?
यीशु ही परमेश्वर है, एकमात्र जिंदा खुदा और सच्चा परमेश्वर है, तो फिर हम अपने दुखों की गठरी बांध के क्यों बैठे रहते हैं? क्यों नहीं वो करते उस और सिचुएशन में भी? पति नकारा है, सिचुएशन बेकार है, जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, बात सही नहीं हो रही है, बीमारी जा नहीं रही है, इतनी सारी और सिचुएशन, इतनी सारी विषम परिस्थिति, इतनी सारी तकलीफों की गठरी बांध के बैठते हैं, पर क्या वो करते हैं जो बाइबल कह रही है? वो करते हैं जो यीशु करने को कह रहे हैं? क्या वो करते हैं जो पास्टर ने करने को कहा है? हाँ भाई, वचन में टिकी रहिए, चर्च में बनी रहिए, संडे को टाइम से चर्च आइए, वचन पढ़िए, प्रेयर करिए। हमारी पर्सनल बाइबल रीडिंग और प्रेयर करने का कितना टाइम है? कितना हम समय देते हैं अपने 24 घंटे के जीवन में से परमेश्वर को डेली? दुखों का रोना, जितनी देर रोते हो, जितना लंबा चौड़ा करके या निराशा और आत्मतरस के जाल में जितनी देर फंसे रहते हो, बैरी फंसाता है आत्मतरस और निराशा, शैतान का जाल, उसमें जितनी देर फंसे रहते हो, क्या उसके बजाय बाइबल पढ़ते हो? क्या एक योद्धा की तरह आंसू पोंछ के खड़े होते हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के साथ युद्ध में हूँ, यीशु मेरा युद्ध लड़के जीतेंगे, मैं बाइबल में समय दूंगी, मैं वचन पढ़ूंगी और यीशु मुझे जिताएंगे, मैं प्रार्थना में समय दूंगा, मैं वचन से लिपटा रहूंगा, यीशु जीत दिलाएंगे, इस ऑड सिचुएशन को मेरे जीवन से यीशु दूर करेंगे, इस नेगेटिव को पॉजिटिव में यीशु बदलेंगे। जानते तो हो कि यीशु परमेश्वर है, तो यहाँ पर लिखा अशुद्ध आत्माएं भी जानती थी, पर उस परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध कितना बनाया है, करीबी रिश्ता कितना बनाया है। हमें जक्कई की तरह एक स्टेप लेना होगा। जक्कई ने जब सुनी थी यीशु की ख्याति, तो वो चढ़ गया था पेड़ के ऊपर कि देखूं यीशु कैसा दिखता है। बस उसकी इतनी इच्छा थी कि एक बार देख लूं यीशु को। और परमेश्वर ने न केवल उसके घर गए, न केवल उसको बुलाया, बल्कि उसके साथ खाया पिया भी, सहभागिता भी की, और जक्कई के घर में, जक्कई के जीवन में उद्धार आया। भजन 32:6 में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। भजन 121, भजन संहिता 121 में लिखा, मेरा रक्षक हमारा जो रक्षक है, ना कभी सोता ना ऊँघता। इसका मतलब वो हर टाइम अवेलेबल है। ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है का क्या मतलब है? हर टाइम प्रार्थना करे, क्योंकि वो हर टाइम अवेलेबल है अपने बच्चों के लिए। वो जागता है, ऊँघता भी नहीं, हो देखता है मेरे किस बच्चे की क्या जरूरत है, मेरा कौन सा बच्चा तकलीफ में है और मुझे पुकार रहा है। तो क्या हम प्रार्थना करते हैं हर टाइम, या बस एक बार फॉर्मेलिटी करके बस हो गया, प्रभु देख ले कुछ करना है तो कर दे, नहीं तो पता नहीं है, मैं तो ऐसे रो पीट के जीवन गुजार दूंगी। ऐसा कर रहे हैं कि हम वाकई में लड़के युद्ध जीतने वाली मनोवृत्ति रख रहे हैं? भजन संहिता 91:14 में लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्या हमने यीशु के महान और सामर्थी नाम के सामर्थ्य को जान लिया है? क्या हमने यीशु से स्नेह रखना शुरू किया है? क्या अभी तक हम एक किराना शॉप वाले की तरह अपनी लिस्ट पकड़ा रहे हैं कि प्रभु ये ले लिस्ट और इसको पूरा कर दे, ये प्रेयर पॉइंट है इनको पूरा कर दे, और हमें यीशु से अभी तक प्यार नहीं हुआ? यहाँ पर लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया। परमेश्वर समझ जाता है कि कौन बच्चा उसको दिल से पुकार रहा, कौन उससे प्रेम रखता है, कौन उससे सिर्फ आशीषें चाहता है। आप पिता की संपत्ति को चाहते हैं या पिता को चाहते हैं, ये उसको पिता को पता है क्योंकि वो सारी सृष्टि का स्वामी है। और वचन जब पूरा होगा, जब वो कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया, तो आइए आज हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपें और ये कहें कि प्रभु मुझे तुझसे स्नेह करना सिखा ताकि हम जीत जाएं। हमें विषम परिस्थिति में भी वो करना सिखा जो सही है, ताकि युद्ध में जीत हमारी हो जाए, ताकि उस जीत को पाले जिसको यीशु ने हमारे लिए पहले ही रख छोड़ा है। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु हमें सिखा, जैसे बाइबल में जो फेथ हीरोज हैं उन्होंने विषम परिस्थिति में भी वो किया जो सही था, जो तेरा वचन कहता है, वैसे ही हम भी करने पाए ताकि हमारे जीवन की हर विषम परिस्थिति सुगम और सरल हो जाए। परमेश्वर हमें तुझसे प्यार करना सिखा, पवित्र आत्मा हमें यीशु का कहना मानना सिखा। जब हम कहना मानेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगी। यीशु मसीह के नाम में प्रभु मांगते हैं, तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को ब्लेस कर पिता। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे उनसे। मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की,
जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सकें, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और जिंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी जरूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।